कसरावत नगर में महिलाओं द्वारा गणगौर पर्व के चलते पाती खेली गई। मात्र शक्ति ने गणगौर पर्व के अंतर्गत पाती का आयोजन किया। इसमें झालरिया गीतों और ढोल ताशों के माध्यम से भगवान शिव के स्वरूप धनियर शिव एवं देवी पार्वती के रूप में गणगौर माता की आराधना की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला एकत्रित हुई। यह आयोजन पार्षद श्रीमती रेखा हेमंत सोनी के द्वारा उनके निवास पर हुआ। पाती के अवसर पर शिव पार्वती के रूप में दुल्हा दुल्हन बनाए गए। मौसमी सोनी, पूजा चौधरी, राजकुमारी रघुवंशी, ज्योश्ना जैन ने रनुबाई एवं ईश्वर राजा की भूमिका निभाई एवं अन्य महिलाएं बाराती बनकर शामिल हुईं। इस दौरान महिलाओं ने झालरिया गीत गाकर आनंद और उल्लास से माता की शक्ति और माता की भक्ति का गुणगान किया एवं ढोल ताशों के साथ महिलाओं ने नृत्य किया। माता पार्वती के प्रतीक के स्वरूप में दूल्हा और दुल्हन को तैयार किया जाता है और फूल पाती निकाली जाती है। भजन संध्या ग्रुप के द्वारा यह तीसरा वर्ष है जब यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा? घर जाके फलाहार वगैरह होगा और कार्यक्रम अरेंज किया है घर पे भी। कसरावद मुस्लिम समाज के पवित्र माह रमजान का चांद बुधवार को नहीं दिखाई दिया। इसके चलते अनुमान है कि चांद गुरुवार को दिखेगा और शुक्रवार से रमजान माह की शुरुआत होगी। रमजान के मद्देनजर मुस्लिम इलाकों में चहल पहल शुरू हो गई। शहर सदर रईस कुरैशी ने बताया कि रमजान इस्लामिक कैलेंडर का पाक महीना होता है। इसमें पूरे महीने रोजे रखे जाते हैं। चांद दिखाई देने के अगले दिन से रोजेदार रोजा रखते हैं और इस बार रमजान का पहला रोजा कब रखा जाएगा ये चांद दिखाई देने के बाद तय होगा। बुधवार को चांद दिखाई नहीं दिया है, इसलिए पूरी संभावना है कि गुरुवार चांद दिखाई देगा और शुक्रवार से रोजे शुरू होंगे। बुधवार शहरी और इफ्तार के लिए सामान की खरीदारी भी शुरू हो गई है। मस्जिदों में भी तरावीह की नमाज आज से शुरू हो जाएगी। संवाददाता सेवक राम चौबे की रिपोर्ट। माह रमजान आज से शुरू होने वाला है। जैसे कि कल दिखने वाला था लेकिन दिखाई नहीं दिया है, लेकिन आज तो बिल्कुल दिखे या ना दिखे लेकिन रमजान महीना शुरू हो गया। क्या कहना चाहेंगे सर साहब? सबसे पहले तो मैं पूरी आवाम मुस्लिम जमात को माह रमजान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कल चांद नहीं दिखा, आज चांद दिखेगा, और आज चांद नहीं भी दिखता है तो आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो जाएगा, पाक महीना शुरू हो जाएगा। आज मस्जिदों में पहली तरावी होगी और कल पहला रोज़ा 24 तारीख को पहला रोज़ा रहेगा, ऐसा उलमाओं ने भी सब बताया जो हमारे मदरसे हैं, दारुल उलूम हैं, दिल्ली से लेकर भोपाल तक, भोपाल से लेकर जिले तक, सभी उलमाओं के भी कल लेटर मोबाइल व्हाट्सएप पर जारी हो गए थे, हमारे पास भी आए चूँकि सदर होने के नाते। तो आज से रमज़ान का पाक महीना शुरू, आज ईशा की नमाज के बाद पहली तरावी होगी और कल 24 तारीख को पहला रोज़ा होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस पाक महीने में हमारे हिंदुस्तान में अमन, सुकून, चैन बना रहे, सब भाईचारा बना रहे, यही इस पाक महीने में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। पाक महीना आज से शुरू होना जा रहा है। एक बार मैं पुनः मेरी पूरी समाज, पूरी आवाम, पूरी कसरावत के हिंदू मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला से ये दुआ करूंगा इस महीने में कि मेरे गांव कसरावत में, मेरे मुल्क में अमन, सुकून, चैन, शांति बनी रहे, यही ईश्वर अल्लाह से मेरी कामना है।